अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ते हैं कि माई एस क्यूएल वर्कबेंच को इस्तेमाल करते हुए उनकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर हम किस तरह मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट काम हमारे पास क्या है कि आपने डेटाबेस स्कीमा यानी डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं और फिर टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप कैसे बनानी है। फिर हमने क्या करना है कि सीखना है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस बना लिया है, स्कीमा उसका क्रिएट कर लिया है, तो अब आपने उसका एसक्यूएल स्टेटमेंट किस तरह जनरेट करनी है, और अगर आपने कोई टेबल बना लिया है तो उस टेबल की एसक्यूएल स्टेटमेंट जो डीडीएल कमांड होती है क्रिएट टेबल एसक्यूएल टेबल क्रिएट टेबल और टेबल का नाम वगैरह, तो वो जो एसक्यूएल की कमांड होती है वो आपने किस तरह जनरेट करनी है डीपीएम से वर्क बेंच को यूज़ करते हुए। और फिर जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल के आखिर में थर्ड फाइल, ये टास्क जब हम सीख लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें एक स्क्रिप्ट फाइल जनरेट करते हैं। वो स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है, उसमें जो एसक्यूएल के जितने भी आपके पास डेटाबेस हैं टेबल्स हैं उसमें से उसका एसक्यूएल स्क्रिप्ट उसके डीडीएल कमांड्स लिखी होती हैं, सो वो आपने एक फाइल में फिर किस तरह क्रिएट करते हैं। आइए हम इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास माई एसक्यूएल वर्क बेंच उसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, हम डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। लेट्स सपोज अब आपने यहाँ पर अगर आप लेफ्ट नेविगेटर पैनल में जहाँ से आपका नज़र आ रहा है आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर प्लस का निशान है और ये फोर्थ पोजीशन पे है क्रिएट न्यू स्कीमा। जब आप इसको स्कीमा पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है, इसमें लिखा होता है न्यू स्कीमा स्कीमा नेम बाय डिफॉल्ट, आपने स्कीमा का यहाँ पर नेम देना होता है। लेट सपोज मैं इसका लिखता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर डीबी कि हम टेस्ट डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो डिफ़ॉल्ट उसका कैरेक्टर सेट वगैरह और रेगुलेशन वगैरह आप जिसके रूपा की पैरामीटर्स है उसी तरह सेट कर लें। नीचे आपके पास राइट साइड पे राइट जो है ना साइड पे बिल्कुल बॉटम में आपके पास दो बटन नज़र आ रही है, एक है अप्लाई दूसरा रिवर्ट। रिवर्ट इस एक्शन को अंडू करता है कैंसिल करता है, जबकि अप्लाई इस एक्शन को क्या कहते हैं जनरेट करता है कमिट की तरह काम करता है। जब आप इस एक्शन को अप्लाई कर लेते हैं तो अब आपके पास आ रहा है कि इसका एल्गोरिथम बाय डिफ़ॉल्ट है, लॉकिंग टाइप बाय डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास नज़र आ रहा है क्रिएट स्कीमा डीबी टेस्ट अंडरस्कोर डीबी। सो वो ये आपके पास एसक्यूएल जनरेट हो गया है, ये क्योंकि जब रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे वो डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। इस नाम से हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके पास आ गया है एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट हो गई है एसक्यूएल स्क्रिप्ट प्रोसेस सक्सेसफुली अप्लाई टू द डेटाबेस, डेटाबेस पे अप्लाई हो चुकी है, कोई यहाँ पर एरर नहीं आया। हम इसको फिनिश करते हैं, जब आप इसको फिनिश करते हैं अब हम इसको विंडो को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमें टेस्ट डीबी अगर आप देखेंगे वो नज़र आ रहा है, अगर आप रिफ्रेश भी करते हैं तो टेस्ट डीबी आपके पास ये नज़र आ रहा है। अब इस टेस्ट डीबी को अगर आप देख लें कि उसमें से अपने इसका टेबल्स वगैरह इसमें कोई टेबल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए सेकंड स्टेप जो हमारा था कि हमने टेबल क्रिएट करना है, सो हम क्या करते हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है क्रिएट टेबल वाली। अब टेबल का नाम लेट सपोज हम लिखते हैं प्रोग्राम, कौन सी डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पर आपने कोई कमेंट्स देनी है कि ये टेबल में इस टेबल में किस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं दिस टेबल विल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय अ सर्टेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। अब नीचे हम उसके कॉलम्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कॉलम के नेम की जगह माउस लेके जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जब आप उसको क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रही होती है कॉलम का नाम और आपके पास प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। सो हम इसको लिखते हैं पी अंडरस्कोर आईडी के हमारे पास आईडी कॉलम है, इंटीजर है, हम इसको प्राइमरी की बना लेते हैं प्राइमरी की। अब हम इसको कहते हैं कि ये ए आई का मतलब होता है
ऑटो इंक्रीमेंट, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। एन एन का मतलब ये कॉन्स्टेंट्स है, पी के मतलब प्राइमरी की, एन एन का मतलब है कि नॉट नल, यूनिक, यू के ये यूनिक हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ये बाइनरी कॉलम है या नहीं, ठीक हो गया, तो ये सारे बाकी आपके क्या चल रही होती हैं, कॉन्स्टेंट हो गया डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट एक्सप्रेशन, अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, तो जब आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ नीचे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कॉलम का नेम पीआईडी है, अगर इस कॉलम से आपने कमेंट्स लिखते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू लिखनी है डिफॉल्ट वैल्यू लिख दें, यहाँ पर डेटा टाइप लिखनी है तो इंटीजर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज के लिए आपसे किया है कि वो प्राइमरी की है और नॉट नल होगा, ये सारे और आठ इंक्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ जाते हैं। अब लेट सपोज इस कॉलम का हम नाम लिखते हैं पी अंडरस्कोर नेम, कि ये प्रोग्राम का नाम होगा, ये वारचार है और प्रोग्राम का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी वैल्यूज हम कम करते हैं, लेट सपोज हम उसको कि उसका नाम जो है ना बी एस सी एस या इस तरह, हम लेट सपोज उसको कहते हैं कि फाइव कैरेक्टर हम उसको रख लेते हैं बी एस सी एस और इस तरह से। अब अगर आपने प्रोग्राम का जो है ना यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई रखनी है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है, तो आप इसके बेचलर ऑफ वगैरह इस तरह रख सकते हैं। सो प्रोग्राम नाम आपका जो आ रहा होगा वो नल नहीं होगा और वो जाके यूनिक होगा, इस तरह आपने वो सारी चीज़ें उस पर लगा ली हैं, राइट। ओके जी, सो यहाँ पर नीचे अगेन वही दो बटन है, बाकी हम इस पर काम नहीं करते हैं। स्टडी लेवल वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन देनी है हम वो उस पर नहीं करते। सो यहाँ नीचे पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली उसका एसक्यूएल जनरेट हो जाता है। जनरेट करने के बाद अगर आप देख लेते हैं कि वो सारा कि वो प्राइमरी की आ गया, प्राइमरी की के बाद उसने इंडेक्स भी क्रिएट कर लिया, क्योंकि प्राइमरी की हमने उसे कह दिया कि नॉट नल होगी, यूनिक होगी, तो वो उसने यूनिक इंडेक्स इस पर क्रिएट कर लिया है। और फिर उसने कमेंट्स भी उस पर से लिख लिए हैं कि आपके कमेंट्स जो इस पर आ रहे होते हैं, तो ये आपके पास ये सारा डेटा आ रहा है। ओके जी, अब आप इसको अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होती है, ये जब टिक निशान आ जाता है तो उसके बाद आपके नीचे या आपको एरर शो होता है अगर इसमें कोई एरर है, या अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये आपके पास फिनिश्ड आ जाता है। सो स्क्रिप्ट वॉज सक्सेसफुली अप्लाइड, इसका मतलब है टेबल क्रिएट हो गया है, फिनिश करें। जैसे आप फिनिश करते हैं इसको क्लोज करें, क्लोज करने के बाद जब आप इसमें से टेबल्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास प्रोग्राम नज़र आ रहा है, और जब प्रोग्राम पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास उनके सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ओके जी, अब हम जाते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आप ऊपर चले जाते हैं सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का निशान या इरादे क्लिक की बजाय अगर हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं, तो ये कहता है कि आपने कोई स्कीमा सेलेक्ट नहीं किया गया है, हम टेबल क्रिएट कर रहे थे। सो टेबल किसी स्कीमा डेटाबेस में क्रिएट होता है तो पहले आपने उसको सेलेक्ट करना होता है। सो लेट्स सपोज हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि आपका स्कीमा टेस्ट डीबी है, अब आप प्लस पे क्लिक करें तो आप ये कहते हैं कि नहीं, सो सिंगल क्लिक से नहीं डबल क्लिक से, अब जब डबल क्लिक आप कर लेते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, जब बोल्ड होता है तो इट मीन्स कि ये आपका करंटली ये डेटाबेस ये स्कीमा कनेक्टेड है। और जब आप उसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद अगेन यहाँ से अब आपका टेबल आ गया। लेट्स सपोज अब हम इसको से लिखते हैं कि स्टूडेंट का टेबल है और इस पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं दिस टेबल विल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स एनरोल इन एनी प्रोग्राम एनी डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम क्या लिखते हैं एस अंडरस्कोर आईडी स्टूडेंट आईडी, ये आ गया है, ये ऑटो इसको भी ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं लेट सपोज वक्ती तौर पर, और ये आ गया एस अंडरस्कोर नेम, उसके बाद आपके पास आ रहा है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पी अंडरस्कोर आईडी कि वो किस प्रोग्राम का है। तो जब वो प्रोग्राम का होगा, अब ये हम कहते हैं हमने प्राइमरी की बना लिया, स्टूडेंट का नाम जो होगा नॉट नल होगा, और प्रोग्राम की जो आईडी है वो हमने देखी थी, अब हम उसमें से कहेंगे कि ये इंटीजर होगी क्योंकि प्रोग्राम के टेबल में हमने प्रोग्राम उसको क्या बनाया था इंटीजर बनाया था। अब जब आप ये चीज़ें आपके पास आती हैं, ये चीज़ आपके पास आ गई है राइट, अब आप इसको क्या करते हैं यहाँ पर एक और चीज़, ये टेबल तो आपके पास बन गया है, अब एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि हम यहाँ से क्या बनाते हैं फॉरेन कीज़ बनाते हैं राइट।
और दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको यहाँ से डायरेक्ट जाएं, और दूसरी बात यह कि आप बाद में भी इसको बना सकते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, फॉरेन की बनाना है, तो हम फॉरेन की पे क्लिक करते हैं। फॉरेन की नेम और फॉरेन की ये टेबल, हम ये कहते हैं कि ये जो है ना ये प्रोग्राम के टेबल में जाएगा जब ओके। यहाँ पर हम पहले नाम देते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के टेबल में मेरे पास पी अंडरस्कोर या पी आई डी है अंडरस्कोर, ये मेरे लिए ये प्राइमरी की का नाम है, और ये जो प्राइमरी की है मेरे पास रेफरेंस टेबल, ये जो है ना ये प्रोग्राम के टेबल को लिंक कर रही है, और ये जो ये इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है रेफरेंस्ड कॉलम, ये आपको स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट ने आपके स्टूडेंट के टेबल का बता रहा है। सो स्टूडेंट के टेबल में जो प्रोग्राम आईडी है ये प्रोग्राम के टेबल में प्रोग्राम आईडी को लिंक कर रही है, राइट। सो ये आपने रिलेशन बना दिया है। रिलेशन बनाने के बाद आपसे ये कहता है कि अगर फॉरेन की यानी प्रोग्राम के टेबल में पी आई डी का टेबल, पी आई डी का जो कॉलम है वो अपडेट हो गया, तो आपने क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्शन होते हैं। सो अपडेट के ऊपर मोस्टली कैस्केड का ऑप्शन चलाया जाता है, और डिलीट के ऊपर नो एक्शन या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करें या नो एक्शन करें, राइट। ओके, सो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, या फिलहाल अगर आप वक्त पे उसको कहते हैं कि आप उसको नो एक्शन करें, हम उसको नो एक्शन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारा डेटा नज़र आ रहा है, स्टूडेंट आई डी है, स्टूडेंट का नाम है, उसके पी आई डी है, और प्राइमरी की हमारे मेरी जो है वो स्टूडेंट आई डी है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम आईडी के ऊपर क्या होगी, ये इंडेक्स उसने क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिकली, और ये क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट हमारा बना, इस कॉन्स्टेंट का नाम वही है जो हमने दिया, यूज़र डिफाइंड है, ये इंडेक्स जो क्रिएट हुआ है ये सिस्टम डिफाइंड है। अब ये क्रिएट इंडेक्स ये कॉन्स्टेंट जिसका नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर पी आई डी अंडरस्कोर एफ के है, ये असल में इसकी कॉन्स्टेंट टाइप किया है, एक एक फॉरेन की है, और ये फॉरेन की जिस कॉलम पे बनी है उस कॉलम का नाम क्या है, पी आई डी है स्टूडेंट के टेबल में। ये जो कॉलम है ये जिस टेबल को रेफरेंस कर रहा है वो टेस्ट डी बी के डेटाबेस में प्रोग्राम का टेबल है, और उसके अंदर जो कॉलम है उसका नाम है पी आई डी। सो आगे हमने बता दिया कि अगर प्रोग्राम के टेबल में इस कॉलम में कोई अपडेट डिलीट होगा, इस कॉलम में कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा जो स्टूडेंट के टेबल में लिंक्ड हुआ पड़ा है, तो आपने उसको डिलीट करने नहीं देना, नो एक्शन। और अगर आप अपडेट पे हो रहा है तब भी आपने उसको नो एक्शन करने, उसको रिस्ट्रिक्ट करने, नो एक्शन करने। ये नीचे आ गए उसके कमेंट्स, ये यहाँ तक कमेंट्स उसके आखिर में, ये देखें यहाँ तक आपका पैरेंथेसिस, यहाँ पर क्लिक अगर करें तो ये हाईलाइट हो जाता है येलो, तो ये बता रहा है कि ये और ये यहाँ पर आपका क्लोज है। कमेंट हमेशा टेबल के बाद में आते हैं, कमेंट एग्जीक्यूटिव जब आप लिखते हैं फिर आप सेमी कॉलन लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बता रहा होता है। अब आप इसको अप्लाई करते हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हम इसको फिनिश करते हैं, इसको क्लोज करें। सो यहाँ पर आप अगर आप उसको देखें टेबल्स को, तो यहाँ पर आपके पास दोनों टेबल नज़र आ रहे हैं, राइट हो गया। ओके जी, अगर एक तीसरा, लेट्स सपोज हम एक तीसरा टेबल बना लेते हैं, उस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। अब हमने डिपार्टमेंट बना लिया, अब लेट्स सपोज डिपार्टमेंट में जो हमारे पास है इसको कहते हैं डी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, इसको भी इंटीजर प्राइमरी की बना लेते हैं, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर लें, और आगे हम लिख लेते हैं डी अंडरस्कोर नेम, कि ये डिपार्टमेंट का नाम है, इसको यूनिक नॉट नल कर दें कि ये नल नहीं होगा और ये यूनिक भी होगा, राइट, या फिलहाल यूनिक इसको छोड़ दें, डिपार्टमेंट आई डी और वो आप लगा लेते हैं, राइट। अब आप इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये आपका टेबल एग्जीक्यूट हो गया, कि उसकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेसफुल है, फिनिश करें। आप इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये पहले से डिपार्टमेंट प्रोग्राम और स्टूडेंट। अब हम एक काम करते हैं कि लेट्स सपोज जो प्रोग्राम के टेबल में प्रोग्राम आईडी है इसको अब हम बनाते हैं, अल्टर करते हैं, कि अब हम इसको स्ट्रक्चर को भी बाद में अल्टर कर सकते हैं कि नहीं, कि ये जो प्रोग्राम इसके प्रोग्राम के टेबल में हम एक कॉलम डालते हैं कि ये प्रोग्राम किस टेबल का है, तो हम उसको डालेंगे एक नया। अब राइट क्लिक करते हैं, अल्टर टेबल पे जाते हैं, जब आप अल्टर टेबल पे चलते हैं तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के बाद आप यहाँ पर आखिर में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डी अंडरस्कोर आईडी,
ये डिपार्टमेंट की आईडी क्या है और यहाँ पर इसको आप इंटीजर बना देते हैं। सो जैसे आप इसको इंटीजर बना देते हैं राइट, कि वो प्रोग्राम अब ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, नॉर्मल नल क्या करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं राइट। अब आप फॉरेन कीज़ पे जाते हैं, फॉरेन कीज़ में अब आप उसको कहते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंडरस्कोर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी अंडरस्कोर एफके, कि ये जो प्रोग्राम के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी का कलम है ये फॉरेन की है, और ये जिस टेबल के साथ लिंक कर रहा है उस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट आईजी प्रोग्राम के टेबल में ये वाला जो कॉलम है इसके साथ लिंक हुआ पड़ा है, और ये यहाँ पर अगेन आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं रिस्ट्रिक्ट करें, कैस्केड करना चाहते हैं कैस्केड करें, ये यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जब आप देखते हैं यहाँ पर कोई वो सारा डेट वही उसी तरफ के पास आ रहा है ऑन दिस दिस इन दिस, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहा है, अल्टर का टेबल आ रहा है, ऐड कॉलम ऐड इंडेक्स अल्टर, ये उसने कॉलम ऐड कर दिया उसके ऊपर इंडेक्स भी ऐड कर दिया प्रोग्राम आईडी। अब उसने दूसरी की विजन चलाई उसमें उस पर ऊपर कंस्ट्रेंट चला दिया राइट, और जब इसको अप्लाई करेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपके पास ओके करेगा कि ओके हो गया है फिनिश हो गया है। अब आप इसको क्लिक करेंगे क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप टेबल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर ही डिपार्टमेंट आईडी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है राइट। अब हमारा जो दूसरा टास्क था ये आपने सीख लिया है कि किस तरह डेटाबेस स्कीमा टेबल्स और रिलेशनशिप को अपने क्रिएट करना है। अब हमने क्या करना है, एक स्क्रिप्ट ओपन करनी है जिसमें से इन सब के जो है ना एसक्यूएल कमांड्स हमने रन करने हैं। लेट्स सपोज हम एक स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, ये वाले स्क्रिप्ट मेरे पास ओपन हो रही है राइट। अब मैं ये कहता हूँ लेट्स सपोज हम कहते हैं मैं कमेंट लिख रहा हूँ, उसको हम कहते हैं क्रिएट टेस्ट डीबी डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस विद नेम, हम सर लिखते हैं थोड़ा सा आसान हो जाए, क्रिएट डेटाबेस विद नेम टेस्ट अंडरस्कोर डीबी राइट। अब टेस्ट अंडरस्कोर डीबी के लिए आपने कोड लिखना है, यहाँ पर आपके पास टेस्ट अंडरस्कोर डीबी है, इस पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेंड टू एसक्यूएल एडिटर, एडिटर को आपने क्या सेंड करना है, अगर आप कहते हैं नेम तो ये आपका टेस्ट डीबी का नेम आ जाएगा, और अगर आप नेम नहीं चाहते आप उसके एसक्यूएल स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप एसक्यूएल उसकी क्रिएट स्टेटमेंट चलें तो ये आपके पास क्रिएट स्टेटमेंट पूरी नज़र आ रही है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है टेस्ट डीबी, ये आपके पास कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, डिफॉल्ट करेक्टर दिस इन दिस, इसके बाद आपके पास ये दूसरी लाइन नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्रिएट डेटाबेस उसके डेटाबेस का नाम है टेस्ट डीबी, सो आपका जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है वो बाय डिफॉल्ट जो करेक्टर सेट इस्तेमाल करता है, ये यहाँ पर मेंशन है लेकिन ये उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि देखिए मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये आपके लिए बता देगा राइट कि आपने वो किस तरह इसको यूज़ करना है, कोलेक्ट करना है आपका करेक्टर सेट UTF है और आपके पास जो डिफॉल्ट इनक्रिप्शन हुई है वो N है राइट। अगर आप इस तरह करने हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा काम जो इस तरह आप कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉपी टू क्लिप बोर्ड करें, क्रिएट स्टेटमेंट करें, और नीचे अगर आप यहाँ पर आके राइट क्लिक पेस्ट करते जाएं तब भी आपके पास ये सारा जो हमने पहले लिखा हुआ था वो सारा एसक्यूएल की स्टेटमेंट उसी तरह आ जाती है राइट। सो ये आपके पास सारी कमेंट आ गई है, आप इस लाइन को कमेंट करना चाहते हैं डिफॉल्ट करना चाहें जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं ओके जी। अब हम जाते हैं टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल विद नेम डिपार्टमेंट राइट। अब हम डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट करते हैं, अब ये डिपार्टमेंट राइट क्लिक सेंड, अब ये यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर शॉर्ट लॉन्ग सेलेक्ट ऑल स्टेटमेंट्स इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, सो आपने क्रिएट स्टेटमेंट आ गई तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारा आपके पास डेटा नज़र आ रहा है, इस एसक्यूएल की क्वेरी नज़र आ रही है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है नॉट नल है ऑटो इंक्रीमेंट होगी, डिपार्टमेंट नेम है वॉरचार है 2045 का है ये नॉट नल है, ये प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, और इसका जो बाय ये देखें यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इंजन माई एसक्यूएल जो चला रहा है वो इनो डीबी है और डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट वो है UTF है और कोलेट आपका जो आ रहा है ये उस चीज़ पे हो रहा है राइट। सो इसी तरह अब हम इसके बाद क्या चलाते हैं, क्रिएट प्रोग्राम क्रिएट टेबल विद नेम
प्रोग्राम। ओके जी, प्रोग्राम के नाम का हमने बनाना है। अब हम अगेन राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू, क्रिएट एंड एडिटर। तो ये अगर आप देखेंगे तो आखिर में आपको ये सारी चीज़, अगर आप इंजन भी करते हैं, इंजन को मैं अलग करता हूँ थोड़े ताकि आसानी हो जाए, इंजन डीबी डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको भी करते हैं, कोलेट करना चाहें तो आप सारे इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग लाइन पे लिखें ताकि आपके लिए फिर क्या हो जाए, आसानी हो जाए। राइट, ये आपके पास चीज़ें आ गई, क्रिएट डिफॉल्ट सेट, ये आ गया कोलेट, ये आ गया आपके पास कमेंट, अगर आपने उसके ऊपर भी कमेंट वगैरह कोई आपने लगाई हुई है। राइट, ये आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये आपके पास वो जो कॉन्स्ट्रेंट आए, प्रोग्राम आईडी आ गया, प्रोग्राम का नेम आ गया, प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन आ गई, डिपार्टमेंट आईडी आ गया, डिफॉल्ट नल है, प्राइमरी की प्रोग्राम आईडी है, प्रोग्राम नेम के ऊपर उसने, क्योंकि प्रोग्राम के नाम यूनिक होंगे हमने लगा लिया है चेक, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसने जाके प्रोग्राम नेम पे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगा लिया, यूनिक की, और इस तरह बना लिया। सो अब इसके बाद ये प्राइमरी की आपके पास फॉरेन की आ रही है, की का नाम ये हो गया, प्रोग्राम डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है राइट, और इसके कंस्ट्रेंट का नाम है ये, और फॉरेन की का जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट के टेबल को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। सो अगर आप इसको अलग लिख लेते हैं एक लाइन पर और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन डिलीट दिस, ऑन डिलीट दिस, सो ये चीज़ें आपके लिए फिर क्या हो जाती है, ये सारा ईजी हो जाता है। राइट, अब आखिर में हमारे पास आ गया क्रिएट टेबल विद नेम, और आगे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। राइट, अब स्टूडेंट राइट क्लिक, इसको सेंड टू एडिटर करें, क्रिएट स्टेटमेंट लगाएं, अगेन आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। राइट, अगर आप इसको अलग लाइन पे लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास अलग लाइन पे आ गया है, आप इसको कमेंट करें तो उनकी कमेंट अलग लाइन पे आ जाते हैं। सो ये आपके पास सारा स्क्रिप्ट आ गया है। राइट, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो जितना भी है हम इस डेटाबेस को डिलीट कर लेते हैं, बल्कि हम एक और काम करते हैं, इसको डेटाबेस को डिलीट नहीं करते हैं, हम कहते हैं क्रिएट डेटाबेस, कि हम देखना चाहते हैं कि उसी तरह वाकई हमारे पास ये हमारे पास स्क्रिप्ट बन गई है। जब हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, फिर हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे पास दोबारा क्रिएट सिरे से क्रिएट हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं इसको टेस्ट डीबी अंडरस्कोर कॉपी उसका नाम रखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्या ये दूसरा डेटाबेस क्रिएट करता है कि नहीं करता। अब मैं लाइन पे चला गया, फर्स्ट लाइन पे चला गया, जो जिधर भी आप क्लिक करते हैं ये आपके पास एग्जीक्यूट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत की हुई है, और वो क्या है, हमने क्रिएट डेटाबेस तो कर लिया है लेकिन अब गलती क्या हो गई है यहाँ पर, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें तो ये देखें डिपार्टमेंट वो क्रिएट करने लगा था, इस टेबल पे आ गए, उस यहाँ पर उसने एरर दिया, वन रो इफेक्टेड। वन रो इफेक्टेड क्या मतलब, ये जो क्यूरी थी ये रन हो गई, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये डेटाबेस टेस्ट डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया है। राइट, ओके जी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको बताया नहीं है कि आपने ये बाकी टेबल्स किधर बनाने हैं, टेस्ट डीबी भी बनाने हैं। तो ये पुराना जो टेस्ट डीबी का कनेक्टेड था वो उसी पे चला गया। अब हम इसको कहते हैं कनेक्ट टू टेस्ट डीबी अंडरस्कोर कॉपी डेटाबेस, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज, और फिर हम कहते हैं टेस्ट अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर कॉपी। राइट, अब हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको टेस्ट डीबी डेटाबेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप नाउ, वो टेबल डिलीट हो गया है, सॉरी डेटाबेस डिलीट हो गया है। हम दोबारा इसी को रन करते हैं, जब हम दोबारा इसी को रन करते हैं, यूज टेस्ट डीबी अंडरस्कोर कॉपी, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल कोड चेक। एरर कहाँ पर आ रहा है, एरर यहाँ पर आ रहा है। अब ये एरर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास वो ये यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर हम इसको उसका सिंपल नाम लिख लेते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इसको ये लिख लेते हैं
वो उसको स्ट्रिंग बता रहा था कि आप जो स्ट्रिंग दे रहे हैं डेटाबेस का नाम दे दें। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और दोबारा रन करता हूँ कान क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करते हैं। इससे पहले फिर हम कहते हैं ड्रॉप टेस्ट अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर कॉपी डेटाबेस इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम किस इसके लिए क्या करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेटाबेस का नाम क्या है ये। सो अब हम कहते हैं कि डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ड्रॉप कर दें, फिर वो ड्रॉप क्रिएट कर लेगा, फिर उसको कनेक्ट कर लेगा, अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब हम दोबारा चलाते हैं, अब ये देखें, अब हमारे पास आ गया टेस्ट डी बी ड्रॉप हो गया, फिर टेस्ट डी बी बन गया, फिर टेस्ट डी बी बनने के बाद ये जीरो रो इफेक्टिव सारे आपके पास आ गए। अब ज़रा हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये देखें टेस्ट डी बी हमारे पास हाईलाइटेड है, बोल्ड है, इसके मतलब है वो ऑलरेडी बन चुका है, क्रिएट हो चुका है। ये इसके अंदर टेबल्स हैं, टेबल में आप क्लिक करें वो वही सारा डेटा, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। सो जब आप इस तरह जल्दी जल्दी से जीयूआई बना लेते हैं तो आप स्क्रिप्ट ज़रूर बनाया करें। स्क्रिप्ट का इस वजह ये होती है कि आप बार बार जीयूआई के थ्रू इन कामों को नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास ये डेटाबेस डिलीट भी हो जाए, ये आपके पास डेटाबेस डिलीट हो गया है, सो आप दोबारा जाके इसको रन करेंगे तो आपके पास एक सेकेंड में वो सारे आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो सारे डेटाबेस दोबारा क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर ये देखेंगे कि जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें अगर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड मल्टीपल, या आपने के पास एक्सेल शीट वगैरह में अगर वो पड़े हैं तो वो फिर किस तरह आपके रिकॉर्ड्स इसमें से इंसर्ट होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।